त्रेता युग की बातें। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज था, जहां अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर की चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें थी और उसके बाहर गढ़ी खाई। दीवार पर सैकड़ों तोपे रखी थी। बहुत सारे सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में तटपर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सर की बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और कीरागृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, जिसमें विद्वान, सुरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। ये जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सगर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यह चारों ओर फैला हुआ था। सुयोग मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। मंत्रियों में सुमंत मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जवाली आदि राज पुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजा हित के कार्यों में लगे रहती थी। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राज सुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की कमी ना थी, पर उन्हें एक दुख था, उनको कोई संतान ना थी। जीवन उन्हें सूना सूना सा लगता था। उनकी रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहित से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि यज्ञ किया जाए। सुमंत ने प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी ऋषि सिंह को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारी होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋषि को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। ऋषि सिंह ने सो मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा गया। एक वर्ष बाद घोड़ा लौट के आया। तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। अब वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली, अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेके उनके सामने प्रकट हो गए। ऋषि सिंह ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देख के कहा कि यह खीर पुत्रदायक है, अपनी रानियां को इसका सेवन कराइए। खीर लेके राजा ने उसे सर से लगा लिया। उन्हें खीर का पात्र कौशल्या को देख के कहा कि तुम सब बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख लिया, शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उसे आधे भाग का आधा अपने लिए रख शेष केकई को दे दिया। केकई ने इसमें से आधी खीर स्वयं ले ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या के घर में श्री राम ने जन्म लिया। इसी तिथि पर हम आज भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं। मंझली रानी सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को 1 पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया गया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियां बधाई गाने लगी। देवताओं ने फूलों वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खाने खेलने लगे। चारों में बहुत प्रेम था। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहती और शत्रुघ्न भरत के साथ। चारों भाई जब अयोध्या की गलियों में खेलने निकलते, तब उन्हें देखकर सब ठगे से रह जाते। राम के रूप में अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता हूँ वह देखता ही रह जाता।